हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है। मंडी कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाला कांग्रेस कार्यकर्ता जिसने पूरा जीवन पार्टी के संघर्ष और पार्टी की मजबूती के लिए व्यतीत किया और हिमाचल की जनता के अधिकारों और सुविधाओं के लिए जो प्रयासरत रहा वो आज प्रदेश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ है। इसी के साथ मुकेश अग्निहोत्री के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर करते हुए दीपक शर्मा ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। आज सदर मंडी के मंडो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई प्रदेश सरकार बनने पर खुशी का इजहार किया। वो मंडो बाजार में मिठाइयां बांटी और कांग्रेस के पक्ष में नारेबाजी। आज प्रदेश की कमान उसके हाथ में है जो हम कार्यकर्ताओं से निकल के आज प्रदेश की बुलंदी में पहुंचा है। संगठन का जिन्होंने काम किया है, आम एक साधारण परिवार से जो इंसान निकला है आज प्रदेश के सर्वोच्च पद पर है। ना केवल वो आम परिवार के दुख दर्द को समझते हैं बल्कि इस कार्यकर्ताओं के भी, संगठन के कार्यकर्ताओं के भी दुख दर्द को वो भलीभांति समझते हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पे मुकेश अग्निहोत्री जी विराजमान हुए हैं और मंडी के दामाद हैं, ये भी एक गर्व का विषय है। और पहले भी उन्होंने प्रदेश की सेवा की है, लगातार वो वहाँ से हरोली विधानसभा से जीते हैं और जनता ने उनको स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी का हरेक कर्मठ कार्यकर्ता, हरेक पदाधिकारी, हरेक नेता इस जीत का हकदार है और हम प्रतिभा सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में इस प्रदेश में कांग्रेस जो सरकार है वो शासित हुई और जो हमारी जो पहले की सरकार थी जयराम सरकार से उसके जो कुचक्कर थे उससे हमने निजात पाई। इसके लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं और इसी प्रकार से हमने आज इस जो जीत को कार्यकर्ताओं के बीच में सेलिब्रेट किया।